डियर स्टूडेंट्स, 60 शब्द प्रति मिनट की गति से मैटर स्टार्ट होने वाला है 10 मिनट का स्टार्ट। महोदय, कानूनी साक्षरता के माध्यम से सामाजिक समानता और समरसता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुविधा होती है। इस वस्तु स्थिति को पहचान कर 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कानूनी साक्षरता संबंधी कार्यक्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य जन साधारण को विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान करना था। इसमें पुलिस तथा कानूनी कार्यवाही से जुड़े अन्य पक्षों की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। इसके अंतर्गत कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में समाज के सभी वर्गों के सदस्य, स्त्री और पुरुष आमंत्रित किए जाते हैं। इनमें समाज के उन लोगों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है जो किसी न किसी रूप में अपने अपने वर्गों, समुदायों के प्रधान या मुखिया हैं, क्योंकि यदि ये लोग सजग, सचेत और जागरूक हो जाते हैं तो उनकी जागरूकता का प्रतिबिंब उनके संबंधित वर्गों पर अवश्य पड़ेगा। इन कानूनी साक्षरता शिविरों में भाग लेने आए शिविरार्थियों को ऐसे कानूनों की बुनियादी जानकारी दी जाती है जिनका रोजाना की जिंदगी में लगातार हस्तक्षेप रहता है। पैरा चेंज जन साधारण को कानूनों की जानकारी देने के लिए बहुविध प्रणाली का कारगर उपयोग किया जाता है। शिविर में कानूनों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया से संबंधी सभी पक्षों को आमंत्रित किया जाता है ताकि वे शिविरार्थियों के समक्ष कानूनों के विभिन्न पक्ष रख सके। इन शिविरों में स्थानीय एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बुलाया जाता है। शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कानूनों की जानकारी देने के लिए लोक माध्यमों का सार्थक उपयोग किया जाता है। इसमें लोक गीत, लोक नृत्य, स्वांग, तमाशा, नौटंकी, रास इत्यादि स्थानीय लोक माध्यमों का इस ढंग से उपयोग
किया जाता है कि आम आदमी की समझ में यह बात आ जाए कि कानून किस प्रकार उसके कवच का काम करता है। एक दिवसीय इस शिविर के लिए 25,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। कानूनी साक्षरता शिविरों के लिए निर्धारित उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर एक, समानता की गारंटी देने वाले विभिन्न कानूनों तथा अन्याय और शोषण से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने एवं अन्याय की स्थिति में न्यायपालिका के उपयोग संबंधी जानकारी देना। नंबर दो, कानूनी सहायता पुलिस स्टेशनों में महिला कोष्ठ परिवारों परामर्श केंद्र आदि सरकारी एवं गैर सरकारी समर्थक सेवाओं और कार्यक्रमों के संबंध में सूचना देना ताकि उन्हें कानूनी अधिकार मिल सके। पैराचेज, महोदय मैं यह कहना चाहती हूं कि जो कुछ हो रहा है मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं। वस्तुतः मैं अत्यधिक दुखी हूं। बंगाल के लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान और प्रसन्नता का भाव है। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए इतिहास में उन्होंने अपने अपूर्व और विशिष्ट भूमिका निभाई है। अनेक क्षेत्रों में हमें अपने सर्वोच्च नेता बंगाल से ही प्राप्त हुए। राजनीति, विज्ञान, साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्र में हमें अपना राष्ट्रगान प्राप्त हुआ। मुझे संदेह नहीं कि बंगाल के लोग इन कठिनाइयों के दौर से गुजर जाएंगे और पहले की तरह ही एक बार फिर शांतिपूर्ण वातावरण में प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। पैराचेंज, हमारे संविधान का उद्देश्य एक ऐसी सरकार की स्थापना है जो शांति और व्यवस्था को कायम रखे और उसे बढ़ाए। इसका उद्देश्य एक ऐसी सरकार की स्थापना है जो कानून के शासन और जनता के हित को सर्वोपरि समझती हो। कुछ सदस्यों ने इस सदन तक में और इस वाद विवाद के दौरान भी हिंसा की बात कही है। मैं उनसे अपील करती हूं कि वे ऐसी बातें न कहें। मेरे मित्र ने तो उच्च न्यायालय का घेराव करने
तक की बात कही है। स्टॉप।